औरंगाबाद शिवसेनेच्या वतीने शहरातील क्रांती चौक येथे केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने दिवसेंदिवस पेट्रोल डिझेलच्या किमती दरवाढ होत आहे. आधी सर्वसामान्य माणूस कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक विवशनेत सापडला असून या सततच्या होणाऱ्या पेट्रोल डिझेल दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे जीवन मेटाकुटीस आले आहे. यामुळे शिवसेना औरंगाबाद शाखेच्या वतीने आज शहरातील क्रांती चौक येथे केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत जन आंदोलन करण्यात आलं आहे. शिवसेना नेते माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार अंबादास दानवे, आमदार संजय शिरसाट, आमदार प्रदीप जैस्वाल यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. जो महंगाई बढ़ी है पेट्रोल डीजल और गैस की, जो भाव बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, जो मोदी जी का सरकार आके 6-6.5 साल हुआ है, महंगाई कम करने का आश्वासन इन्होंने दिया था, लेकिन आज पेट्रोल 93 रुपये हुआ है, जो 60-65 रुपये था, आज गैस भी 750-800 रुपये तक गया है, जो 400-450 रुपये था, और महंगाई से सर्वसामान्य आदमी त्रस्त हुआ है. इसलिए शिवसेना ने इस आदमी का निषेध करने के लिए, इस आदमी की तरफ से सरकार का निषेध करने के लिए आंदोलन का कदम उठाया है. एक तरफ ऐसा कहा जाता है कि अदर स्टेट में टैक्स कम है इसलिए पेट्रोल कम दामों में मिलता है. बिल्कुल नहीं, ये सब गलत बातें हैं. केंद्र सरकार का ही वो दर है जो श्रीलंका में केंद्र सरकार पेट्रोल देती है, नेपाल में देती है वह 51 रुपये और 53 रुपये है, लेकिन हिंदुस्तान में 93 रुपये है. सरकारी टैक्स लगा दिए, सरकार ही बोलती है, ये सब गलत प्रचार हो रहा है, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार इसलिए जिम्मेदार है. ये केंद्र के लोग और भाजपा के लोग, बाकी कौन? देवेंद्र फडणवीस साहब जब भी इतने टैक्स थे क्या, अभी कुछ उद्धव जी के सरकार ने बढ़ाए नहीं कोई. नाही, आमचं राज्यव्यापी आंदोलन आहे आजचं ठरलेलं. एक आहे आम्ही कोणी केलं म्हणून आम्ही करत नाही आहे, राज्यात सगळीकडे शिवसेना आज आंदोलन करत आहे. नाही, असं नाही, आमचं आंदोलन ऑलरेडी ठरलेलं आहे. मनसे आणि भारतीय जनता नाटकबाजी करते.